वज़ीर इत्तला'आत पंजाब फ़ैज़ुल हसन चौहान कहते हैं कि नवाज शरीफ की जमानत मुस्तरद करना इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ज़बरदस्त फैसला है। कहते हैं नवाज शरीफ समोसों और पकौड़ों से परहेज़ करें। अखलाक बाजवा की रिपोर्ट देखिए। पंजाब असम्बली के अहाता में वज़ीर इत्तला'आत पंजाब फ़ैज़ुल हसन चौहान की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ के हवाले से ज़बरदस्त फैसला सुनाया। आले शरीफ का कहा मान लिया जाता तो फिर जेलों में मौजूद तमाम कैदियों को मर्जी की जगह इलाज का हक दिया जाता। आले शरीफ का इस्तदलाल मान लिया जाता कि नवाज शरीफ साहब बीमार हैं, इस वजह से उनको रिहा कर दिया जाए, उनका केस ख़त्म कर दिया जाए, उनकी कैद व बंद की सज़ा जो है उसको एलिमिनेट कर दिया जाए, तो फिर पाकिस्तान की तमाम जेलों में मौजूद तमाम कैदियों को यह राइट हासिल हो जाता। फ़ैज़ुल हसन चौहान का कहना था कि नवाज शरीफ के साथ डील होगी ना ढील। साबिक वज़ीर आज़म को दिल का अर्जा है जो 60 साल की उम्र में हर शख्स को हो जाता है। नवाज शरीफ समोसों और पकौड़ों से परहेज करें। दिल के पेशेंट को जना अस्पताल में आकर बड़े गोश्त के शामी कबाब, पकौड़े, समोसे और चिप्स नहीं खाने चाहिए। वज़ीर इत्तला'आत पंजाब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की भरपूर सताइश भी की। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर सलमान तारिक के साथ इखलाक अहमद बाजवा, लाहौर न्यूज़।